राजस्थान प्रदेश अपने खास व्यंजनों और जायकों के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। और बात की जाए चटपटे चाट पकौड़ी की, तो भीलवाड़ा का नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा शहर के सबसे महंगे मार्केट सराफा बाजार में एक पकौड़े का ठेले लगाने वाले शिवजी की। यह मौसम और सीजन के हिसाब से पकौड़ी मनाते हैं, और यही नहीं, इनकी गोभी की पकौड़ी पूरे भीलवाड़ा में मशहूर भी मानी जाती है। लगभग 5 सालों से यह भीलवाड़ा के सराफा बाजार में अपना ठेला लगाते आ रहे हैं, और यही नहीं, भीलवाड़ा शहर के सराफा बाजार में लगभग 3 से 4 घंटे में इनका पूरा माल खत्म हो जाता है। दिन ढलते ही शाम की चाय लोग इनकी गोभी की पकौड़े के नाश्ते के साथ करते हैं। शिवजी पकौड़ी वाले ग्राहक के सामने अपनी पूरी पकौड़ी का मसाला बनाते हैं और गर्मा गर्म उनको पकौड़ी परोसते हैं। 5 साल से ये पकौड़ी बना रहा हूँ। सीजन के हिसाब से अलग अलग फ्लेवर में पकौड़ी बनाता हूँ मैं, जैसे पालक की, गोभी की, मूंग की दाल की, अलग अलग फ्लेवर में मैं पकौड़ी बनाता हूँ। और आलू बड़ा, ब्रेड पकौड़ा, प्याज की कचौरी, कई सारे नाश्ते में आइटम यहाँ पर हर मौसम के अनुसार फ्लेवर में चेंज होते रहते हैं। सर्दी के हिसाब से बहुत अच्छी भीड़ लगती है। अभी 2-4 दिन से ठंड अच्छी पड़ रही है, तो अच्छी भीड़ लग रही है। चटनी 3 प्रकार की देते हैं अपन, एक नवरत्न चटनी है, और एक मीठी वाली है इमली और गुड़ की, और एक हरी पुदीने की चटनी देते हैं। हम निरंतर आस्था नाश्ता सेंटर पर लगातार नाश्ता कर रहे हैं। इनके कई सारी वेराइटीज है जो काफ़ी अच्छा स्वाद वाली है, जैसे गोभी की पकौड़ी, पालक पकौड़ी, अन्य तरह के उत्पाद हैं इनके, कचौरी, प्याज वाली कचौरी, दाल की कचौरी, दाल की पकौड़ी। और पिछले 5 वर्षों से हम निरंतर यहाँ पे खा रहे हैं। शुद्ध मूंगफली के तेल से ये सारे सामान को निर्मित करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और सर्दी के अंदर इन चीज़ों को खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वाकई इनका नाश्ता काफ़ी टेस्टी और स्वादजनक। 3-4 घंटे के लिए व्यापार करते हैं सायंकाल में सराफा बाजार में, और अच्छा व्यापार चलता है इनका। इनका आचरण, इनका व्यवहार काफ़ी सराहनीय है, इसीलिए सभी लोग इनसे जुड़ाव रखते हैं, और बेहतरीन स्वाद भी मिलता है इनकी दुकान पर।